सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारी मृत्यु 101वें बार में होती है, 100 बार हमारे पास अल्प मृत्यु अल्पकालीन मृत्यु आती है, और 100 बार के बाद जो मृत्यु आती है उसको बोलते हैं काल मृत्यु, जिसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी चीजें हम कई बार गिरते हुए, कुछ गिर गया बच गए, बीमारी हो गई हमने दवाई खा ली, इंजेक्शन लगवा लिया, बहुत सारी चीजों से हम अपने आप को बचा के ले जाते हैं, बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं। लेकिन जब काल मृत्यु आती है तो उससे नहीं बचा जा सकता, एंड वो सत्य है, वो कटु सत्य है। सात मंजिला भवन के ऊपर बैठकर स्वयं रहने लगे, जहां कीट मतलब चींटी से भी छोटा जो कीट होता है ना, वो तक नहीं आ सकता, ऐसी व्यवस्था कर ली गई है उनके द्वारा, इतनी भारी व्यवस्था है। लेकिन इस भारी व्यवस्था में भी जो उनके जो काल है उसने अपना रास्ता खोज लिया। उन्होंने क्या किया, कश्यप जी को आह्वान किया कि हे कश्यप जी, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कश्यप, वो मंत्र सिद्ध थे, उनकी दृष्टि जो थी उसमें अमृत था, मतलब अगर वो देख ले तो अमृत हो जाए, उनकी दृष्टि तक में अमृत था। उन्होंने परीक्षित जी ने कश्यप जी को इनवाइट किया, आप आइए मुझे बचाइए, अगर मान लो तक्षक आ भी जाए और उसने मुझे मार और भस्मी कर दिया तो आप मुझे देखिएगा और सब ठीक हो जाएगा। तक्षक को यह मालूम पड़ा तो कश्यप जी परीक्षित जी की ओर बढ़ रहे हैं, तक्षक भी वहां पर आया, मार्ग में दोनों मिले। अब उसने पूछा कि आप कौन हैं, तक्षक ने ब्राह्मण का, तक्षक ने भी भेष बना के आया, तो उसने बोला तक्षक ने कि आप उन्हें ना मारिए, क्योंकि मैं तक्षक हूं, मेरी शक्ति बहुत है और आप मुझसे लड़ाई करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तक्षक ने डराने की कोशिश की, कश्यप जी ने कहा कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम बताओ तुम क्या खत्म कर सकते हो। तक्षक ने बगल में खड़े हुए एक विशाल पेड़ को जहर उगला और वो भस्म हो गया, इतना जहर तक्षक ने। कश्यप जी ने उस भस्म की ओर देखा और फिर से पेड़ खड़ा हो गया। तक्षक प्रणाम करके खड़ा हो गया, प्रभु क्षमा कीजिए, और पैर पकड़ लिए और ब्राह्मण स्वरूप पूछकर उनको दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद ले लिया। और जब आशीर्वाद ले लिया, उन्हें भी ध्यान नहीं रहा, कश्यप जी ने आशीर्वाद दे दिया, तक्षक ने कहा अब तो आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब तो आप रास्ता छोड़ दो। तक्षक आगे बढ़ा, कुछ ब्राह्मणों को उसने तैयार किया, मतलब अन्य अन्य रूपों में ब्राह्मणों के रूप में कुछ लोगों को तैयार किया, और उनके साथ फल, जो फल होते हैं वो ब्राह्मण कह रहे हैं मंत्रियों से जाके कि हमने तप किया है और ये फल, ये प्रसाद हम राजा को देना चाहते हैं, जिससे राजा कभी मर ही नहीं सकता। उस फल के अंदर बहुत मामूली छोटे से कीट के रूप में तक्षक प्रवेश कर गया, और वो फल लेके वो सात मंजिला भवन के ऊपर चढ़ जाते हैं। राजा ने देखा अरे तो ब्राह्मण है, राजा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के उन्होंने उनको प्रेषित किए, फल और प्रणाम करके लौट आए। राजा ने फिर कहा कि चलो ठीक है, समय थोड़ा बचा है, मैं थोड़ा सा फलहार कर लूं। जैसे ही उसने उस फल को उठाया, उसमें से सामने तक्षक प्रकट हो गया, अर्थात हम काल को चैलेंज नहीं कर सकते, हम कहीं चले जाएं काल वहां आएगा, हम उससे कदापि नहीं बच सकते। इस ज्ञान को जो व्यक्ति लेगा वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। दुख का कारण क्या है, मृत्यु का भय।